ऑडियो बुक जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी ऑडियो बुक लेके आए हैं जो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो शुरू करते हैं पुष्कर राज ठाकुर की लिखी हुई आखिरी किताब। कंटिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स, अध्याय एक, सफल मानसिकता को अपनाना। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम पहले एक्स फैक्टर से करते हैं और वो है कट, कंटिन्यूअस अपलिफ्टमेंट ऑफ थॉट, ऐसे थॉट्स जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। इस अध्याय का नाम भी मैंने अडॉप्टिंग अ सक्सेस माइंडसेट रखा है। इसका मतलब है एक सफल मानसिकता को अपनाना। आगे हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं वो थॉट्स एक्सपीरियंस बेस्ड है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जो भी कह रहा हूं वो सही ही है या जो आप सोच रहे हैं या कह रहे हैं वो सही है। इसका फैसला आपको अपने थॉट्स में और भी गहराई में जाकर लेना होगा। आपको खुद को इस चीज का एहसास कराना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। यहां पर वो चीजें सही हैं जो आपको आपके मनचाहे रिजल्ट्स देती हैं, आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती हैं और आपको वो सभी काम करने से रोकती हैं जो आपको फेलियर यानी असफलता की तरफ लेकर जाते हैं। जब हम सक्सेस माइंडसेट की बात करते हैं तब हमें ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है वो सब सब्जेक्टिव है। यहां पर किसी भी तरह की कोई रियलिटी नहीं है और हर चीज इंटरप्रिटेशन के लिए मौजूद है। हर किसी के लिए जो वास्तविकता होती है वो अलग होती है। चीजों को देखने का सबका तरीका अलग अलग होता है। आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं ग्रीस में एक बीच पर था, वहां कई सारी महिलाएं बिकनी में थी। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था जो उन लड़कियों को देखकर बहुत खुश हो रहा था और उनसे बात करना चाह रहा था। वहीं एक दूसरे अंकल को ताज्जुब हो रहा था कि इन लड़कियों को कोई शर्म नहीं है क्या जो ऐसे ही खुलेआम बीच पर घूम रही हैं। अब आप यहां खुद ही देख सकते हैं कि कैसे दो लोगों की सोच और नजरिया अलग अलग है। ये सब कुछ बिलीफ सिस्टम या धारणा की वजह से हो रहा है। जो भी आपके थॉट्स होते हैं ये आपके बिलीफ सिस्टम से प्रोसेस होकर निकलते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपका स्टिमुलस यानी उद्दीपक है। ये आपको हर तरफ से लगातार मिलता रहता है, अर्थात रिसीव होता रहता है। और जब ये आपको रिसीव होता है तब ये आपके बिलीफ सिस्टम यानी धारणा से गुजरकर विचार में बदल जाता है। यानी आपकी धारणा या बिलीफ सिस्टम एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम सक्सेस की तरफ मुड़ा हुआ है तो हर चीज उसी तरफ जाएगी। आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता, फिर चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाएं। एक बहुत ही ज्यादा नामी प्रोफेसर थे। एक बार उन्होंने अपने छात्रों से कहा कि वो उन सबको एक वीडियो दिखाएंगे और फिर कहा कि उस वीडियो को देखने के बाद हर कोई अपना रिस्पॉन्स दे। वीडियो में सभी छात्र समुन्दर में उठती हुई तेज लहरें देखते हैं, साथ ही घने काले बादल और कड़कती हुई बिजली। उन्हें एक पानी का जहाज आता हुआ दिखता है। वो जहाज तूफानी हवा और पानी के बीच से गुजरता हुआ दिखता है। थोड़े समय बाद वो जहाज डूब जाता है। प्रोफेसर यहां पर वीडियो को रोक देते हैं और अपने छात्रों से पूछते हैं कि वीडियो में उन्होंने क्या देखा। कुछ छात्रों ने कहा कि तेज हवा की वजह से जहाज डूब गया, वहीं कुछ लोगों ने तेज लहरों को इसका जिम्मेदार माना। प्रोफेसर ने कहा कि अपनी जगह हर कोई सही है कि जहाज डूबा, लेकिन वो इसलिए डूबा क्योंकि उसमें पानी भर गया था। इसी तरह आपके आसपास भी ऐसी ही परिस्थितियां होंगी, लेकिन आपका जहाज भी वहीं डूबेगा जहां इसमें पानी भर जाएगा। आपके जहाज का पानी नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक विचार हैं, और ये अगर आपके दिमाग में घर करने लगे तो आपको आगे बढ़ने से रोक देंगे। ऐसा ही कुछ एक बार एक स्कूल जाने वाले लड़के के साथ होता है। एक बार वो अपने स्कूल से घर आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसे कुछ लड़के रोकते हैं और उसे खूब पीटते हैं और उससे कहते हैं कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है और तुम्हें कोई प्यार भी नहीं करता, तुम स्कूल के सबसे बेकार विद्यार्थी हो। जैसे जैसे ये लड़का बड़ा होता है वो इन सब बातों को ही सच मानने लगता है। ये सारी बातें उसके दिमाग में घर कर जाती हैं। इस हादसे से पहले वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करता था और पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी अच्छा था, लेकिन जब से उसके दिमाग में ये सारी बातें बैठी तब से उसका कॉन्फिडेंस नीचे गिर गया और साथ ही उसके स्कोर भी। उसने अपने दोस्तों और बाकी लोगों से भी बात करना बंद कर दिया क्योंकि उसे लगने लगा था कि जो भी उससे बोला गया है वो सब कुछ सच है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे एक बिलीफ या धारणा आपकी जिंदगी बदल सकती है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है
कि उनकी खुशी कुछ चीजों पर निर्भर करती है, लेकिन असल में आपकी ये खुशी अंदर से होती है। बाहर की चीजें कभी भी आपकी खुशी का कारण नहीं हो सकती। आप किसी भी समय खुश हो सकते हैं। आप इस फैक्टर कट का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी उंगलियों से चुटकी बजाइए और जोर से बोलिए कट, और बिना बात के ही खुश हो जाइए। क्योंकि खुश होने के लिए आपको किसी भी रीजन यानी कारण की जरूरत नहीं है। अभी अपनी आंखों को बंद कीजिए और फील कीजिए। अगर आपने खुश होने के कारणों को खोजना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आप कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। लेकिन हर समय खुश रहना और बिना बात के खुश होना भी एक कला है जो सबको नहीं आती, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि आप सबसे अलग हैं। भौतिकवादी चीजें आपको सिर्फ कभी कभी ही खुश रख सकती हैं, ना कि हर समय। जो भी मैं आपको कह रहा हूं वो आपको अपने बिलीफ सिस्टम में जाकर देखना पड़ेगा कि क्या आपको खुश करता है और क्या नहीं। तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या है और कहां तक पहुंचा है? जब हम छोटे से बच्चे होते हैं तब हमारे अंदर ये बिलीफ सिस्टम नहीं होता है, तब हम सभी कोरे कागज की तरह होते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये बनता कैसे है? ये हमारे अंदर हमारी फैमिली से, फिर हमारे फ्रेंड सर्कल से, और फिर हमारे टीचर्स से बनता है। और यही तीनों हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि कई सारे लोग ड्यूअल बिलीफ सिस्टम यानी दोहरी धारणा में विश्वास रखते हैं, और वे एक से ज्यादा चीजों में बिलीव करते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। मेरी माँ एक बार हमारे पड़ोसी से बात कर रही थी और वो एक दूसरे पड़ोसी के बारे में बोल रही थी कि ये तो उनके कर्म हैं जो उनके सामने आ रहे हैं। कुछ दिन बाद वो पड़ोसन हमारे घर आई और हमें बताने लगी कि उनको बिजनेस में घाटा हो गया है और भगवान ने उनके साथ सही नहीं किया। जब वो दूसरों की बुराई कर रही थी तब उन्हें उनके कर्म दिख रहे थे, और जब उनकी खुद की बारी आई तो सारा इल्जाम भगवान जी के ऊपर। यही परिस्थिति ड्यूअल बिलीफ सिस्टम होती है। आपके केस में आपको तय करना है कि आपको कौन सा बिलीफ सिस्टम अपनाना है। मेरे हिसाब से ये सब कर्म का फल है। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। जो कुछ भी आपको मिलता है वो एक प्रोसेस या प्रक्रिया के तहत मिलता है। इस दुनिया में कुछ भी अचानक नहीं होता और सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। इस पूरे प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। हमारी लाइफ में हमें जो भी मिल रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है, जिसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमें अपनी लाइफ में जो कुछ भी मिल रहा है या हम जो भी कर रहे हैं वो सभी हमारे कर्मों का परिणाम है। अब कर्मों से यहां मतलब ये है कि जो कुछ भी हम करते हैं या जिस चीज से भी हम गुजरते हैं वो सब हमारे कर्मों का परिणाम है, और हमारे कर्म हमारे एक्शंस हैं। हमारे एक्शंस ही हैं जो रिजल्ट्स देते हैं। तो अब अगर हमारे एक्शंस ही रिजल्ट्स देते हैं तो लोग गलत एक्शंस क्यों लेते हैं? जब लोगों को पता होता है कि उनको डायबिटीज है तो वो मीठा क्यों खाते हैं? जब लोगों को पता होता है कि सुबह जल्दी उठना उनकी सेहत के लिए अच्छा होता है तो फिर क्यों नहीं उठते हैं? ऐसा वो अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से करते हैं। साथ ही हमारे पास हमारे एक्शंस के जस्टिफिकेशन भी होते हैं, यानी उन्हें सही ठहराने के बहाने भी होते हैं। बिलीफ सिस्टम एक दिन में नहीं बदलता, इसमें काफी वक्त लगता है, समय लगता है। अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए हमें हमेशा कुछ बड़ा सोचने या करने की जरूरत है। जो कुछ भी हमने पहले किया है हमें उससे बड़ा सोचने और करने की जरूरत है। साथ ही हमेशा ऐसी चीजों से जुड़े रहना है जो हमारे बिलीफ सिस्टम को बेहतर होने के लिए बदले। कई लोगों को लगता है कि वे अपनी लाइफ में हर अच्छी चीज डिजर्व नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके लिए करोड़पति बनना आसान नहीं है तो आप ऐसे लोगों के बारे में जान सकते हैं या पढ़ सकते हैं जिन्होंने खुद के दम पर कुछ किया हो। अगर आपने लगातार ऐसा करना शुरू कर दिया तो आप खुद के अंदर बदलाव महसूस करेंगे और देखेंगे कि आपका बिलीफ सिस्टम बदल रहा है, और आप न कर पाने से कर पाने की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपका यही बिलीफ सिस्टम आपके सपनों के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। मैं आपको समझाता हूं कि सच्चाई और भरोसे में यानी बिलीफ सिस्टम में एक बड़ा अंतर होता है। जो सच है वो परमानेंट है, स्थाई है, और उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। जैसे सूरज पूर्व दिशा में उगता है तो उगता है, आप इसे नहीं बदल सकते, मैं नहीं बदल सकता, और आप और मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान इसे नहीं बदल सकता। लेकिन जब बात बिलीफ सिस्टम यानी भरोसे की आती है
तो ये किसी इंसान के ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई इंसान अपने अंदर कोई बिलीफ सिस्टम बना लेता है तो कई सारी चीजों के ऊपर निर्भर करता है और वो उसका खुद का होता है। लोग इसे सही साबित करने के लिए कुछ भी करते हैं। जैसे अगर हम धर्म की बात करें तो उनका सच से ज्यादा अपने बिलीफ सिस्टम से लेना देना है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वे अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करते। एक बच्चे को हम अंधेरे में इसलिए नहीं खेलने देते क्योंकि हमें लगता है कि अंधेरे में कहीं उसे चोट ना लग जाए। बच्चों को रोकने के लिए उनके माता पिता उन्हें भूतों की कहानी सुनाते हैं और उनके लिए यही उनका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। सच और बिलीफ यानी भरोसे के बीच अंतर है। मैंने ऐसे भी इंटेलिजेंट लोगों को देखा है जिनके पास डाउटफुल बिलीफ सिस्टम है, यानी उन्हें अपने ही भरोसे पर भरोसा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, आपके साथ हर चीज पॉजिटिव होगी। तो ऐसा बिलीफ सिस्टम अपनाएं जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो भी मैंने आपको बताया, 99% लोग उसमें विश्वास नहीं करते। केवल 1% लोगों के पास उनका बिलीफ सिस्टम होता है जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है। और मैं यही चाहता हूं कि आप भी 1% में आ जाएं। क्या आपको पता है कि इंडिया में 70% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास है और बची हुई 30% बाकी के 99% लोगों के पास है। मैं चाहता हूं कि आपका माइंडसेट उन 1% लोगों जैसा हो और आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाएं। अध्याय 2, लेसन्स फॉर योर ब्रेन। किताब का यह अध्याय बहुत ही दिलचस्प है जिसका नाम है लेसन्स फॉर योर ब्रेन। ये 8X फैक्टर के पहले फैक्टर कट का ही कंटिन्यूएशन है जो आपको आपके गोल्स की तरफ लेकर जाता है। पिछले चैप्टर में जो हमने सीखा वो ये सीखा कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम से स्टिमुलस मिलता है, साथ ही हमें थॉट या विचार भी मिलता है। यहां कुछ ऐसे लेसन्स के बारे में आप सीखेंगे जो आपको भविष्य की सोचने में या आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेंगे, और इन लेसन्स को आपको अच्छे से सुनना और समझना पड़ेगा। ये कुल मिलाकर 5 लेसन्स हैं जिनके बारे में हम सुनने वाले हैं। 1, आप वो बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर सोचते रहते हैं। अब आप ध्यान से सोचिए कि आप पूरे दिन क्या सोचते हैं। क्या आप पूरे दिन नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं? क्या आप ये सोचते रहते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा या ऐसा ही कुछ और? जो कुछ भी आप सोचेंगे आप उसी की तरफ खींचते चले जाएंगे। आपका जो ब्रेन है वो एक रेडियो की तरह है जो सिग्नल भेजता भी है और रिसीव भी करता है। तो जैसा आप बाहर भेजेंगे वैसा ही अंदर आएगा। जिस तरह के सिग्नल्स आप यूनिवर्स को भेजते हैं वैसे ही आपको वापस मिलते हैं। मान लीजिए कि आप रेडियो स्टेशन पर जाते हैं और आप एक फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी सेट की है 93.5। अब जैसे ही आपने ये फ्रीक्वेंसी सेट की तुरंत एक गाना बजना शुरू हुआ, लेकिन अगर आप इस फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे तो आपको गाना नहीं सुनाई देगा बल्कि आपको अजीबोगरीब आवाज सुनाई देगी। हो सकता है कि थोड़ी ही देर बाद कोई दूसरा गाना शुरू हो जाए, लेकिन ये सभी एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करता है। और ठीक ऐसा ही आपके दिमाग के साथ भी होता है। जो चीजें आप अपने दिमाग में लेकर चलते हैं आपके साथ भी वैसा ही होता है। आप इस बात को समझिए कि आप जो भी सोच रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल है। यहां पर आपको रुकना है और अच्छा सोचना है। आपको उनके बारे में सोचना है जो पॉजिटिव है। आप जिस भी सिचुएशन को लेकर नेगेटिव सोचते हैं उनके बारे में अच्छा सोचकर देखिए। जो भी नतीजे आप नेगेटिव सोच रहे हैं उसे पॉजिटिव सोचकर देखिए। हमारी सोच हमारे वश में है और हम उसे बदल सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं। आप जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे, इसलिए आप वैसा ही सोचिए जैसा आप बनना चाहते हैं। आपको कोई भी चीज एकदम से पकड़ के नहीं रखनी है, खासकर नेगेटिव चीजें। आपको अपने थॉट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा कि कहीं आप गलत तो नहीं सोच रहे। यहां पर भी आपको कट का इस्तेमाल करना है। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको तुरंत उसे पीछे छोड़कर पॉजिटिव सोचना है। आपको अपनी इमेजिनेशन को एक क्रिएटिविटी देनी है। ऐसा करने से अगर कुछ गलत होने वाला होगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस लेसन में हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं उसके लिए हमें एक गहरे सपोर्ट की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप हर चीज पर आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए, या जो भी मैं कह रहा हूं उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि
अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में आप सोचिए, विचारिए और फिर महसूस कीजिए कि आपके लिए कितना सही है और कितना गलत। दो, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं। आप यहाँ हर वो चीज कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और आप हर वो चीज सोच सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सोची, क्योंकि आपकी सोच आपके कंट्रोल में है। आपने आज से पहले नहीं सोचा कि आपको अमीर बनना है तो आप आज सोच सकते हैं। आपने नहीं सोचा कि अच्छी बॉडी चाहिए तो आप आज सोच सकते हैं। नई सोच के साथ आप नई लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। क्या हुआ अगर किसी चीज के बारे में आपने अभी तक नहीं सोचा? अभी भी वक्त है, आप सोचिए, क्योंकि आप वही अचीव करेंगे जो आप सोचेंगे। आपको यहां पर यह सोचना है कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये चीज नहीं सोच पाते क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम ही वैसा नहीं होता है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, लेकिन ये आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। तीन, जो भी आपका दिमाग सोच सकता है उसे हासिल कर सकता है। क्या एक कुत्ता हाथी के बच्चे को जन्म दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एक कुत्ता अपने बच्चे को ही जन्म दे सकता है, लेकिन आपके दिमाग के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो चाहे वो सोच सकते हैं और जो चाहे वो पा भी सकते हैं। आपके दिमाग के सोचने की शक्ति असीमित है। ये कुछ भी कंसीव कर सकता है, धारण कर सकता है और कुछ भी अचीव कर सकता है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने की जरूरत है। आप अपने बिलीफ सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर दीजिए। इसके लिए आप ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया हो। आपके दिमाग में आता है कि आपको 10,000 रुपए कमाने हैं तो आप जरूर कमा सकते हैं। ये 10 करोड़ रुपयों के बारे में भी लागू होता है। यहां अगर आपको कुछ चाहिए तो वो है अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत बनाना। लेकिन आपका दिमाग उस सभी चीजें सोच सकता है जो वो चाहता है। किसी भी चीज के बारे में सोचो, अपने दिल को समझाओ, फिर वो चीज आपको मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस विचार का दिमाग में पनपना। नेपोलियन हिल के पास एक किताब थी जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच, और वो खुद भी इस बात पर जोर देते हैं, आपको सिर्फ ये सोचने की जरूरत है कि आपकी लाइफ अच्छे के लिए बदल सकती है और कुछ भी अचीव कर सकती है। जब मैं 9वीं क्लास में था तब मेरी टीचर ने मुझे एक बहुत ही अच्छी बात सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि अपने सपनों को आसमान की तरफ फेंको और अब अपने सपनों को कहो कि वो आपको ऊपर की तरफ खींचे। हो सकता है कि आप वहां तक ना पहुंच पाए जहां तक आपके सपने हो, पर हां, आप कम से कम थोड़ा सा ऊपर तो उठ ही जाएंगे। तो अब आप थोड़ा ऊपर उठें और अपने सपनों तक पहुंच जाएं। जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचिए, और ये भी सोचें कि आप उन्हें पा सकते हैं। हम हमेशा अपने सपनों के साथ समझौता करते हैं। एक बार एक कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाता है और कंपनी कहती है कि वो किसी भी कीमत पर उसे हायर करना चाहती है। वो कैंडिडेट जॉब ऑफर स्वीकार कर लेता है और बदले में 1,00,000 की सैलरी की मांग करता है। कंपनी वाले उसे 60,000 रुपए देने की बात करते हैं। आपको लगता है कि अगले महीने उसे 1,00,000 रुपए मिलेंगे? नहीं। ठीक उसी तरह जब भी आप कुछ बड़ा सोचते हैं तो लोग आपको कम में सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। ऐसा सबके साथ होता है। तो ऐसे में आपको खुश रहना है लेकिन संतुष्ट नहीं। ठीक ऐसे ही जब आप कुछ बड़ा सोचेंगे या करना चाहेंगे तो आपके आसपास के लोग, आपके परिवार वाले, यहां तक कि आपका खुद का दिमाग भी आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। लोग बोलेंगे कि जितना मिल रहा है उसी में खुश रहो। लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, डिस्करेज करेंगे कि ऐसा मत करो या वैसा मत करो। उनके पास पता नहीं कहां कहां से उदाहरण आ जाएंगे कि एक आदमी ने ऐसा ही किया था तो उसके साथ ये हो गया या वो हो गया। उन्हें लगेगा कि कहीं कुछ बड़ा करने के चक्कर में उनका नुकसान ना हो जाए। लेकिन मैं कहता हूं कि होना चाहिए। मैं भी अपनी लाइफ में फेल हुआ हूं, लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं लाइफ में आगे भी बढ़ा हूं। मैं एक बार नहीं कई बार फेल हुआ हूं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं प्रयास करता चला गया। आज मेरे परिवार के सदस्य एकदम दूसरी तरह से बात करते हैं क्योंकि मैंने अपने बारे में उनके बिलीफ सिस्टम को बदल कर रख दिया है। आपको इतनी सी बात समझनी है कि जो भी लोग सोचते या समझते हैं वो पूरी तरह से उनके अनुभव पर आधारित होता है। हो सकता है कि जो आप करना चाहते हैं उसकी कोशिश वे पहले कर चुके हों,
लेकिन असफल हो गए हो और इसीलिए आपको मना कर रहे हो। वे नहीं चाहते कि आप भी नाकाम हो और आपको बचाना चाहते हो, लेकिन इन सब के चक्कर में आप भी कंफर्ट जोन में चले जाते और जब तक आप कंफर्ट जोन में हैं तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। पहले मैंने आपको जो इंटरव्यू वाली कहानी बताई है उसमें अगर कैंडिडेट 1,00,000 रुपए से नीचे काम करने के लिए मना कर देता तो पॉसिबिलिटीज थी कि उसे और ज्यादा का ऑफर दिया जाता या फिर वो दूसरी जगह नौकरी देखता जहां उसे ज्यादा पैसा मिलता। तो आपको खुद ही अपनी वैल्यू बढ़ानी है। आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ भी चीजें आपके माइंड में आती हैं आप वो सब कुछ कर सकते हैं। तो हमेशा ही बड़ा सोचिए और कभी काम के साथ समझौता मत कीजिए। आपको अपनी वैल्यू बनानी है। आपको हमेशा ही खुश रहना है लेकिन संतुष्ट कभी नहीं। 4, आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप अपना समय बिताते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आप भी उसी तरह के हो जाते हैं जिस तरह के लोगों के आसपास आप रहते हैं। तो उन 5 लोगों के नाम लिखिए जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये लोग कोई भी हो सकते हैं। उन सभी की इनकम लिखिए और उनको जोड़कर 5 से डिवाइड कीजिए और इसके बाद जो भी अमाउंट आएगा वो आपकी इनकम होगी। इन सभी की हेल्थ कंडीशन के बारे में भी लिखिए। इन कंडीशंस को अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा के टर्म में लिखिए। इनकी हेल्थ का एवरेज आपकी हेल्थ होगी। अगर आप एक आदमी की संगति छोड़ देते हैं और किसी दूसरे की संगति में जाते हैं जिसकी इनकम पहले वाले से ज्यादा है तो आपकी भी एवरेज बढ़ जाएगी। अब आप ये सोचेंगे कि जो लोग पहले से अमीर हैं वो आपके साथ समय क्यों बिताएंगे, क्योंकि ऐसा करने से उनका एवरेज तो नीचे गिर जाएगा। वॉरेन बफेट हर दिन का 200 करोड़ रुपए कमाते हैं। अगर आप उनके साथ अपना समय बिताते हैं तो आपका एवरेज भी दिन का 50 करोड़ हो सकता है। हम लोग ऑस्मोसिस से सीखते हैं। कहीं भी जब 2 अलग स्वभाव के इंसान एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो उन दोनों के बीच इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। एक इंसान जिसके पास कम नॉलेज होती है वो हमेशा उससे सीखता है जिसके पास ज्यादा नॉलेज हो। अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको उन लोगों के साथ अपना समय बिताना होगा जो पहले से ही करोड़पति हैं। आपको इसी बात पर फोकस करना है कि हर आने वाला दिन आपका एवरेज खराब कर रहा है और इसीलिए आपको अपनी संगत बड़े हिसाब से चूज करनी है। आपको हर किसी के साथ दोस्ती नहीं कर लेनी है क्योंकि इससे आपका एवरेज खराब हो सकता है। उन लोगों से तो आपको दूर रहना है जो अपनी जिंदगी में बहुत ही नेगेटिव हैं और सिर्फ शिकायत करना जानते हैं। वे दीमक की तरह आपके दिमाग को खा जाएंगे। मैं यहां आपको खुद से जुड़ी एक बात बताता हूं। वो बताने से पहले मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी को ये बात कभी भी ना पता चले, लेकिन ये सच है कि मैं अपने पिताजी के साथ टाइम नहीं बिताना चाहता, क्योंकि जब भी हमारी बात होती है तो वो इतनी फालतू बातें करते हैं जिनका मेरे लिए कोई मतलब नहीं होता। उनकी बातें मेरे बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल भी नहीं मिलती। मुझे अपने बिलीफ सिस्टम को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है और मैं इसे बेहतर ही करना चाहता हूं, ना कि बदतर। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करता हूं जो मुझसे बेहतर हैं, क्योंकि ऐसा करने से मेरा एवरेज बेहतर होगा। मैं चाहता हूं कि आपका भी एवरेज बेहतर हो और इसीलिए मैंने ये उदाहरण आपको दिया। ऐसा नहीं है कि वे लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन बढ़ नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको और उन्हें दोनों को ही आगे बढ़ने से रोकता है और आपको भी नहीं पता चलता कि आप क्या कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कई लोगों को लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो 99% लोगों से मेल नहीं खाता, लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सबसे अलग हूं। मैं इस भीड़ से बाहर हूं और अपनी किस्मत मैंने खुद लिखी है और आज मेरे पिताजी मुझे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। मैं आज पैसे भी कमा रहा हूं और उनका और अपना नाम भी रोशन कर रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा बेटा भी हूं। 5, जिस चीज पर भी आप फोकस करते हैं वो बढ़ती जाती है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करती है। जिस तरफ भी आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर जाते हैं वहां की चीजें बड़ी दिखने लगती हैं। आपका फोकस बिल्कुल कैमरे की तरह होता है। अगर आप अपने कैमरे का एंगल बदलते हैं तो आपको कुछ और दिखने लगता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका कैमरा जिस चीज पर फोकस करता है उसके आसपास की चीज धुंधली हो जाती है। इसलिए आपको देखना है कि आपकी लाइफ का फोकस किस तरफ है, आप किस तरफ फोकस कर रहे हैं। क्या आप नेगेटिविटी की तरफ फोकस कर रहे हैं? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो सड़क से जा रहे होते हैं
और किसी की लड़ाई हो जाए तो वो जरूर रुक कर देखने लगते हैं। शायद यही उनका फोकस होता है। हम आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम में से कई लोग अपने फोकस और कॉन्सेंट्रेशन की पावर को खो चुके हैं। कॉन्सेंट्रेशन या एकाग्रता बिल्कुल हमारी मसल्स या मांसपेशियों की तरह है, और अगर हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो मसल एट्रोफी हो सकती है। अगर आज आपने अपने कॉन्सेंट्रेशन मसल्स का इस्तेमाल नहीं किया तो कुछ समय बाद इसका कोई इस्तेमाल नहीं रह जाएगा। हम में से कई लोग एक बार में एक काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते और एक चीज से दूसरी चीज के ऊपर कूदते रहते हैं। एक बार में एक काम या कोई भी काम इनसे नहीं होता है। कई लोग एक साथ कई काम करने में विश्वास रखते हैं और उनको लगता है कि वो कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से फोकस डाइवर्ट होता है और हम एक भी काम ढंग से नहीं कर पाते। मैं आपको बता दूं कि मशीन एक साथ कई काम कर सकती है पर इंसान नहीं। आप किसी चीज के बारे में जानकारी चाहते हैं और आप सोचते हैं कि आप एक ही साथ किताब पढ़कर और वीडियो देखकर जानकारी हासिल कर लें, तो ऐसा नहीं है। एक समय में या तो किताब ही पढ़ सकते हैं या फिर आप वीडियो ही देख सकते हैं। तो एक समय में एक ही काम पर फोकस करें, ना कि मल्टीटास्किंग पर। मल्टीटास्किंग करना गलत है, क्योंकि ऐसा करते समय आप स्विचिंग करते हैं, मतलब बार बार एक काम को छोड़कर दूसरे पर कूद जाते हैं, और ऐसा करने से आपका IQ लेवल कम होता है। आप एक समय में एक ही काम पर अपना फोकस इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ेगी। अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। अगर अपने रिलेशन पर फोकस करेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा, और अगर आप नेगेटिविटी पर फोकस करेंगे तो आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। उदाहरण के लिए, सालों पहले अगर आपके साथ कुछ हुआ हो और आप आज भी उसी बात से परेशान हैं और लोगों को बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने से आपकी परेशानियां कम होने के बजाय और भी बढ़ेंगी। तो आज ही से आप पुरानी बातें भूलकर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कीजिए। बेहतर फोकस के लिए आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और आपको किस चीज पर कितना फोकस करना है। आशा करते हैं आपको ये बुक पसंद आई होगी और ये आपका जीवन बदलेगी। ये बुक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसे आपको आगे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।